गुड मॉर्निंग, मैं प्रदीप। आज आप लोग को मैं सौर मंडल में पृथ्वी, ठीक है, NCERT की बुक विषय भूगोल कक्षा 6 ए पार्ट 4 का वीडियो मेरा है। इसके पहले मैंने पार्ट 3 का वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, तो आप लोग उसको पहले देख लेंगे तभी इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि थोड़ा थोड़ा मैं एक एक पैराग्राफ पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। उसी एक ही चैप्टर को मैं पार्टों में डिवाइड करके पढ़ा रहा हूँ, तो आप लोग अच्छी तरह से देख लेंगे। चलिए शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। श्री मुनिलाल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तराव गाजीपुर स्कूल से मैं आप लोग को भूगोल पढ़ाऊँगा, ठीक है। NCERT की बुक कक्षा 6 विषय भूगोल, पहला चैप्टर है सौर मंडल में पृथ्वी। जैसा कि मैंने इसका पहले कई पार्टों में इसको पढ़ा रहा हूँ छोटे छोटे वीडियो बना के, तो इसके पहले मैंने पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 का वीडियो प्रोवाइड कर चुका हूँ, ठीक। मैं आप लोग को यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ, ठीक है, यहाँ तक पढ़ा चुका हूँ, जो इसको मैंने हाईलाइट कर लिया है। देखिए, यहाँ तक इसके पहले मैंने पार्ट 3 के वीडियो में बता चुका हूँ कि सौर मंडल के सभी 8 ग्रह हैं, एक निश्चित पथ पर सूर्य का चक्कर लगाते हैं, ये रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। जिस पथ पे या जिस गोले में या मतलब चक्कर काटते हैं सूर्य का, वह दीर्घ वृत्ताकार है, बहुत बड़ा वृत्त के रूप में है, ऐसे कक्षा कहते हैं, ठीक है। ये मैंने पहले ही एक वीडियो और पिक्चर के माध्यम से आप लोग को समझा चुका हूँ, ठीक। कहेंगे तो एक पिक्चर फिर से दिखा देता हूँ, देखिए आप लोग इस पिक्चर को, जिसमें ये सूर्य बीच में है और सभी ग्रह उसका चक्कर काट रहे हैं, ठीक है, एक अपने अपने कक्षा में, अपनी अपनी कक्षा में, कोई दूसरे की कक्षा में नहीं जा रहे हैं। ग्रह का अर्थ ही है, ग्रह तभी माना जाता है जब वो अपने परिपथ में सूर्य का चक्कर काटे। अगर इधर उधर दूसरे के परिपथ में जाता है तो वह ग्रह की श्रेणी में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोग को मैं पहले ही बता चुका हूँ, ठीक है। अब आगे चलते हैं कि बुध सूर्य के नज़दीक है, बुध सूर्य के नज़दीक है, अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में से केवल 88 दिन लगते हैं। अपनी कक्षा में इसे चक्कर लगाने में इसे केवल 88 दिन लगते हैं, अर्थात जो बुध ग्रह है वह सूर्य का चक्कर, ठीक है, एक चक्कर पूरा करने में केवल इसे 88 दिन का समय लगता है, ठीक है। यह सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है, बुध जो है सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। पहले मैं बता चुका हूँ, जो इसके पहले मैंने वीडियो जारी किया है उसमें भी बताया हूँ कि जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी सूर्य से, जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ग्रहों की, वह ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में ज़्यादा समय लेगा। तो बुध पहला ही ग्रह है, नज़दीक है बिल्कुल सूर्य के पास से, इसीलिए केवल मात्र इससे कितने दिन लगते हैं, 88 दिन लगते हैं। वहीं सूर्य से क्रम के अनुसार दूसरा शुक्र है, उसे ज़्यादा दिन लगते हैं। फिर तीसरा पृथ्वी है, तो पृथ्वी को जानते ही हैं कि सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, 365 दिन, ठीक है। तो जैसे जैसे दूरी बढ़ेगी ग्रहों से, सूर्य से ग्रहों की, वैसे वैसे वह ज़्यादा समय लेंगे सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में, ठीक। अब आगे देखते हैं कि शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है। तो शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि इसका आकार एवं आकृति लगभग पृथ्वी के समान ही है, ठीक। शुक्र जो है वह पृथ्वी का जुड़वा ग्रह माना जाता है, क्योंकि वह जितना आकार लगभग पृथ्वी का है उसी आकार का ही शुक्र है, इसीलिए
वह जुड़वा ग्रह माना जाता है। ठीक, अभी अब यहाँ देखेंगे, अभी तक प्लूटो भी एक ग्रह माना जाता था, अभी तक, कब तक, 2006 से पहले आगे लिखा है, ठीक है, कि अभी तक प्लूटो को एक ग्रह माना जाता था, परंतु अंतर्राष्ट्रीय, ठीक है, क्या है, अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में, अर्थात अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन, खगोली का मतलब जो खगोल के बारे में जो अध्ययन करते हैं जो लोग, ठीक है, उन्हें खगोली विद्वान कहते हैं या खगोल वेत्ता कहते हैं, ठीक है, तो ये खगोली संगठन ने अपनी बैठक अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोली पिंड, कुछ समय पहले खोजे गए अन्य खगोली पिंड 2003 यूबी 313 सीएस तथा प्लूटो बौने ग्रह कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? बौने ग्रह, क्योंकि प्लूटो क्या था, वह अपनी कक्षा में सूर्य का चक्कर नहीं पूरा करता था, कभी कभी वह दूसरी की कक्षा में आ जाता था। मैं पहले ही अभी बताया था जस्ट कि जो ग्रह होते हैं वे अपनी कक्षा में ही घूमते हैं, अगर वह दूसरी की कक्षा में घूम रहे हैं, दूसरे के परिपथ में जा रहे हैं, तो वह ग्रह की श्रेणी में नहीं रखे जाएंगे। इसीलिए प्लूटो को ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। कब किया गया? 2006 में, अगस्त 2006 में उसे बाहर कर दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई जिसमें यह निर्णय लिया गया कि जो प्लूटो, अब प्लूटो के साथ साथ कौन, 2003 यूबी 313 सीरस तथा प्लूटो को बौने ग्रह की श्रेणी में मानकर उन्हें ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे खगोलीय संगठन आ गया था, तो उसके बारे में थोड़ा सा यहाँ से जान लेते हैं। खगोलीय संगठन आ गया था तो यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ पे कि रात में आसमान को देखकर मनुष्य हमेशा से मोहित हुआ है, खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे देख लें, ध्यान से देख लेंगे, ठीक है, कि खगोलीय पिंडों एवं उनकी गति के संबंध में अध्ययन करने वालों को खगोल शास्त्री कहते हैं। ठीक, खगोल शास्त्री किसे कहते हैं? जो खगोलीय पिंडों की गति के संबंध में, ठीक है, खगोलीय पिंडों के गति के संबंध में अध्ययन करते हैं, अर्थात रिसर्च करते हैं, उनके बारे में जानते हैं, उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? खगोल शास्त्री कहते हैं। अब एक खगोल शास्त्री का नाम भी यहाँ पे देखिए दिया गया है कि आर्यभट्ट प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। आर्यभट्ट जो थे प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री थे। उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा, उन्होंने कहा था कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित, ठीक है, यहाँ पे देखिए परावर्तित सूर्य प्रकाश के कारण चमकते हैं। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे बता दी हैं कि आर्यभट्ट सूर्य का चक्कर काटते, क्या बताया था उन्होंने कि सभी ग्रह तथा चंद्रमा, सभी ग्रह आप देखेंगे, सभी ग्रह तथा चंद्रमा परावर्तित, सभी ग्रहों की बात की गई है, ठीक है, सभी जितने भी ग्रह हैं सभी ग्रहों की बात की गई यहाँ पे, तथा चंद्रमा परावर्तित प्रकाश के कारण। परावर्तित प्रकाश क्या है ये समझ लेते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश उन ग्रहों पे पड़ता है तो वह उससे टकराकर जब फैल, मतलब वापिस फैलते हैं, वापिस होते हैं, उसे परावर्तित प्रकाश कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो किसी एक उदाहरण के तौर पे ले लो, एक शीशे पे अगर टार्च आप जलाओगे तो शीशे से टकराकर वह प्रकाश फिर दूसरी तरफ प्रतिबिंबित होगा, उसका लाइट दूसरी तरफ जाएगी, तो उसे परावर्तित कहेंगे। क्या कहेंगे? परावर्तित। तो वैसे ही जब ग्रहों पर सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो वह उस ग्रह से टकराकर फिर उसका प्रकाश दूसरी तरफ फैल जाता है। ठीक,
इसीलिए हमको वह ग्रह चमकता हुआ दिखाई देता है या उसका अलग अलग रंग हमको दिखाई देता है। ठीक, तो अलग अलग रंग दिखाई देने के कारण और भी हैं, ठीक है, जो सूर्य की किरणें, सूर्य के प्रकाश में जो किरणें होती हैं, तो ये अलग बाद में बता दिया जाएगा आप लोग को। ठीक, अब आगे देखिए, आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हैं। आज विश्व के सभी भागों में खगोलविद ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगे हुए। आगे देखते हैं पृथ्वी, ठीक है, पृथ्वी जिस पर हम निवास करते हैं, जिस पे हम लोग रहते हैं, यह कौन सा ग्रह है? इसका नाम है पृथ्वी, जिस पे आज हम लोग का मकान है, घर है, ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे स्थित हैं, पेड़ पौधे हैं, नदियाँ हैं, पहाड़ हैं, पर्वत हैं, झरने हैं, झील हैं, तो यह कौन सा ग्रह है? पृथ्वी। इस ग्रह का क्या नाम है जिस पे हम निवास करते हैं? पृथ्वी। तो आइए पृथ्वी के बारे में जानते हैं कि सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी, ठीक है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। कौन सा ग्रह है? तीसरा ग्रह। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जो, ठीक है, उसमें पार्ट थ्री का वीडियो था, उसमें मैंने बता चुका हूँ, लेकिन फिर एक बार रिपीट कर दे रहा हूँ आप लोग को। देखेंगे, चार्ट देख लीजिए, यहाँ पे इस चार्ट में देखिए, यहाँ पे सूर्य है, ठीक, सूर्य के चारों ओर सभी ग्रह घूम रहे हैं। तो इस चार्ट में देखिए, सभी परिपथ में लाइनिंग जो बनी हुई है, सभी अपने अपने पथ में घूम रहे हैं। तो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ग्रहों का क्रम बता रहा हूँ। तो सूर्य से सबसे नज़दीक, ऊपर बताया गया था, अभी देखिए यहाँ पे भी फिर से दोबारा देख लीजिए कि सूर्य से सबसे नज़दीक कौन सा है? बुध है। कौन सा है? बुध। देखिए बिल्कुल पास में यहाँ पे देखिए, ये बुध है। उसके बाद क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा दूसरी लाइन देखिए, जो दूसरी कक्षा है, दूसरी परिपथ है, उसमें देखिए कि ये क्या है, ये देखिए यहाँ पे ये शुक्र है, ठीक है, यहाँ पे ये शुक्र है। उसके बाद तीसरा देखिए, तीसरा ग्रह नीले रंग का है, देखिए यहाँ पे ये कौन सा है? हमारी पृथ्वी है। देखिए तीसरा, सूर्य से दूरी के हिसाब से तीसरा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी है। चौथा फिर आगे देखिए मंगल है, फिर मंगल के बाद देखिए पांचवा, देखिए यहाँ पे बृहस्पति है, पांचवा बृहस्पति है, ठीक, ये छठा जो है शनि है, सातवां यूरेनस है, और आठवां नेपच्यून, ठीक है, आठवां क्या है? नेपच्यून। अब यहाँ पे देखिए बीच में, ये जो बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह पट्टी है, क्षुद्र ग्रहों की क्या है? पट्टी, जिसका कोई पथ नहीं होता, वह किसी के पथ में या किसी की कक्षा में चले जाते हैं, क्षुद्र ग्रह है, ठीक, ये क्षुद्र ग्रहों की पट्टी यहाँ पे देख लीजिए बीच में है। अब ये तो देख लिया आप लोग ग्रहों का क्रम, अब आगे देखते हैं, इसके आगे आकार में यह पांचवा कौन? पृथ्वी। पृथ्वी आकार में यह पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, आकार में पृथ्वी पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। यह ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यह ध्रुवों के पास क्या होती है? थोड़ी चपटी, ठीक, ध्रुवों के पास थोड़ी चपटी है, यही कारण है कि इसके आकार को भूआब कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसके आकार को भूआब कहा जाता है। जो ध्रुवों पे चपटी है, ध्रुव दो होते हैं, ध्यान रखिएगा आप लोग, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। आप इस एक पिक्चर देख लीजिए, ये वीडियो देखिए, इसमें ये ऊपरी सिरा क्या है? उत्तरी ध्रुव है, ऊपरी सिरा उत्तरी ध्रुव है, और ये नीचे का क्या है? दक्षिणी ध्रुव, नीचे वाला जो है दक्षिणी ध्रुव, ठीक। भूआब, आगे देखिए, भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार, भूआब का अर्थ है पृथ्वी के समान आकार।
अर्थात पृथ्वी के ही समान आकार को क्या कहा जाता है, भूआब कहा जाता है। आगे देखते हैं कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। ठीक है, जीवन यहाँ पे देख लेते हैं कि जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां संभवतः केवल पृथ्वी पर ही पाई जाती हैं। अब पृथ्वी न तो अधिक गर्म है और न ही अधिक ठंडी। पानी एवं वायु, देखिए यहाँ पानी एवं वायु उपस्थित हैं जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं। वायु जीवन के लिए आवश्यक गैसें जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह है। हाँ, देखिए यहाँ पे एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन जीने के लिए अर्थात निवास करने के लिए अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। वहाँ के वातावरण में जीवन जीने के लिए बढ़िया वातावरण होता है, क्योंकि यह जो पृथ्वी ग्रह है न ही अधिक गर्म है और ना ही अधिक ठंडा है। यहाँ पे वायु उपस्थित है अर्थात ऑक्सीजन है, जो जिससे हम सांस लेते हैं और हमारा जीवन सुगम हो जाता है। ठीक, क्योंकि बिना सांस का हम एक पल जिंदा नहीं रह सकते। तो पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे वायु है, हवा है, और उन हवाओं में क्या है, ऑक्सीजन है, जो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में जीवन के लिए आवश्यक गैसें हैं जैसे ऑक्सीजन मौजूद है। इन्हीं कारणों से पृथ्वी सौरमंडल, इन्हीं सब कारणों से, और साथ साथ हवा है, पानी है और खाद्य पदार्थ, किसी भी इंसान को, किसी भी जीव को जीने के लिए तीन चीज़ों की महत्वपूर्ण आवश्यकता होती है। कौन कौन सी हैं? हवा, पानी और भोजन, जो इस पृथ्वी पर ही पाए जाते हैं। क्योंकि हवा पानी रहेंगे तो क्या कोई अनाज उपजेगा, पौधा लगेगा, फल उगेंगे, जिससे खा के हम लोग जिंदा रह सकते हैं। ठीक है, इन्हीं सब कारणों से पृथ्वी सौरमंडल का सबसे अद्भुत ग्रह माना गया है। अब आगे देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण, देखिए यहाँ पे आप लोग के दिमाग में आता होगा कि ये महत्वपूर्ण चीज़ है। देखिए क्या है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीले रंग की दिखाई पड़ती है। क्यों, ऐसा क्यों होता है, आप लोग के दिमाग में भी आता होगा, क्योंकि इसका दो तिहाई सतह पानी से ढकी हुई है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। क्योंकि जो पृथ्वी है उसका दो तिहाई जो भाग है वो पानी से ढका हुआ है, इसीलिए इसे नीला ग्रह कहा जाता है। मैं इसका एक और कारण बता रहा हूँ आप लोग को, एक तथ्यात्मक वैज्ञानिक कारण है कि सूर्य, अब ये भी समझिए कि जो हम अंतरिक्ष से देखते हैं पृथ्वी को तो नीला क्यों दिखाई देता है। एक तो कारण ये हो गया कि पृथ्वी पर लगभग 71% 71% क्या है, पानी है। 29% में ही सब पेड़ पौधे, जमीन, पहाड़, पठार हैं, और 71% जल ही जल है। तो इसकी वजह से एक तो कारण हो गया कि पृथ्वी नीली है, और एक कारण और क्या है, उसमें सूर्य का योगदान है। क्या है सूर्य का योगदान जिसके कारण पृथ्वी नीली दिखाई देती है? तो इस चीज़ मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए आप लोग, कि सूर्य की किरणें सात रंगों, बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, जो सूर्य की किरणें होती हैं उनमें सात रंग होते हैं। कौन कौन से रंग होते हैं? बैंगनी होता है, नीला होता है, आसमानी होता है, हरा होता है, पीला, नारंगी और लाल। आप कभी बारिश होती है तो देखते होंगे इंद्रधनुष जब बनता है रेनबो, तो उसमें सात रंग होते हैं। ठीक है, तो वह सूर्य की किरणों का रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, जब जल की बूंदों पे सूर्य की किरणें रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, जो बादल होते हैं उनमें जल की बूंदें होती हैं, ठीक है, उसी के कारण वह उसका रिफ्लेक्शन होता है, वह इंद्रधनुष सा बन जाता है। तो हम यहाँ नीला पृथ्वी क्या है उसके बारे में देखते हैं। तो कौन कौन से रंग है? बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। नीले रंग, ठीक है,
इनमें से छोटी वेवलेंथ किरणों का फैलाव, जो इनमें से जिन रंग जो किरणें हैं, सात रंग हैं, तो इन रंगों में जो छोटी वेवलेंथ की किरणों का फैलाव क्या होता है, वातावरण में ज़्यादा होता है। जिनकी जो तरंग दैर्ध्य है छोटी है, उन किरणों का फैलाव वातावरण में क्या होता है, ज़्यादा होता है। अब वह कौन कौन सी किरण है जिनका वातावरण में फैलाव ज़्यादा होता है, वह कौन कौन सी, बैंगनी, नीला, आसमानी, बैंगनी, नीला, आसमानी। और वहीं बड़ी वेवलेंथ किरणों का फैलाव कम होता है। वहीं पे जो बड़ी वेवलेंथ की किरणें होती हैं उनका फैलाव वातावरण में कम होता है, वे हैं लाल, नारंगी, पीला। और पानी, जब पृथ्वी पर 71% पानी है, लगभग 71% पानी है, जब ये किरणें, ये सातों रंग की किरणें जब उस पानी पे पड़ती हैं तो पानी जो होता है वह लाल, जो बड़ी वेवलेंथ की किरणों को समाहित कर लेता है, अर्थात अपने में सोख लेता है, मिला लेता है। कौन कौन सी वे हैं बड़ी वेवलेंथ की किरणें, लाल, नारंगी, पीला, लाल, नारंगी, पीला। इन किरणों को जो जल होता है वह अपने में समाहित कर लेता है, और जो बाकी हैं बैंगनी, नीला, आसमानी, उन्हें रिफ्लेक्ट कर देता है, अर्थात परावर्तित कर देता है, ठीक, उन्हें वापस इस जो वातावरण में भेज देता है। इसी के कारण हमें जो बैंगनी, नीला, आसमानी, जब तीनों कलर मिलते हैं तो बिल्कुल नीला बन जाते हैं, ठीक है, नीला बन जाते हैं। इसी कारण हम अंतरिक्ष से दूर से जब देखते हैं पृथ्वी को तो वह नीला दिखाई देती है। तो आप लोग को यह पृथ्वी के नीले रंग के जो तथ्य हैं जो बताए गए हैं, आशा करते हैं समझ में आए होंगे। तो आज का क्लास बस यहीं तक, ठीक, इसके बाद मैं आगे आप लोग को चंद्रमा के बारे में बताऊंगा। तो आपको ये होमवर्क दिए जा रहे हैं, इन प्रश्नों को आप लोग हल करके व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।